ओरमची स्पर्धा आजचा हा शेवटचा दिवस आजच्या स्पर्धेचा दर्जेदार नियोजन आहे। जिलान आहे आणि स्ट्राइकर जिलान आहे, नॉन स्ट्राइकला आहे दिनेश आफ्रिन आहे, नॉन स्ट्राइकला पहिला ज्या ठिकाणी मात्र पहिला चेंडूवर रनआउटचा चान्स होता। सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट पाहिला, छोटी धाव पाहायला मिळाली चौथ्या धावे। या ठिकाणी मात्र खातं खोलत आहे संघाचं, खातं खोलत आहे धावसंख्या धावपळकार आहे एक। जिलान आहे पहिला चेंडूवर आपलं खातं खोलतोय, नॉन स्ट्राइकला आहे आफ्रिद, दिनेश आहे गोलंदाजी मार्कवर। मोठा फटका बिगिन पाहायला मिळेल स्क्वेअर लेग पंचांच्या डोक्यावरून चेंडू येतो, या ठिकाणी डीप एक्सप्रेस स्क्वेअरला चेंडू ट्रॅव्हल होईल तो, पण एक धाव मात्र या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज पूर्ण करत आहेत। हे एका धावेची संघाची धावसंख्या आहे दोन, पहिलं षटक सुरू असणार धावसंख्या दोन आहे। सावध सुरुवात पाहायला मिळते, मर्यादित चार षटकांचा हा सामना असेल त्यामुळे या चार षटकांमध्ये मोठे फटकेबाजी करावी लागेल। गोलंदाजी मार्कवर आहे पहिलं षटक घेऊन या ठिकाणी दिनेश आहे, दोन चेंडूंचा खेळ झालाय। जिला नाही स्ट्राईकवर रिव्हर्स अटेंड करायचं, तर वेगळ्या स्टाईलचा फटका होता, अशा फटक्यासाठी दिलकृतने दिलशान जा मानला जातो, परंतु ह्या ठिकाणी मात्र चेंडू निर्धाव जातो, विकेट किपरच्या हातामध्ये चेंडू जाऊन विसावला निर्धाव चेंडू, तर धावसंख्या पुन्हा एकदा स्थिरावली आहे, धावसंख्या आहे दोन पहिलं षटक सुरू असताना। त्याच्या समोर असेल जिलान, तर म्हणतो पिक हिट काही काळ चेंडू नक्कीच हवेत होता, परंतु या ठिकाणी मात्र चेंडू वन साइड मारलेला फटका होता लॉंगाच्या दिशेने, चेंडू ट्रॅव्हल होईल तोपर्यंत दोन धाव मात्र या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतात। या दोन धाव्याने संघाची धावसंख्या आहे चार, पहिलं षटक सुरू आहे, चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते दिनेश याच्याकडून। पहिल्या षटकादरम्यान धावसंख्या चार आहे, बिनबाद चार आहे, चांगली सुरुवात पाहायला मिळते। जिलान आणि आफ्रिद याच्याकडून सावध सुरुवात पाहायला मिळते, चेंडू हवेत आहे या ठिकाणी फटका पोचतोय, पहिला झटका पोचतोय कोकण नगर सर जिलान बाद होतोय, चार धावसंख्येवर पहिला झटका, पाचव्या चेंडू या ठिकाणी ब्रेक थ्रू मिळवण्याची किमिया करतो दिनेश। थोडंसं गती परिवर्तन नक्कीच केलं होतं, फलंदाज फसला मिस टाइम शॉट झाला आणि या ठिकाणी मात्र परतावं लागतंय ते जिलान सारख्या मोठ्या फलंदाजाला। यश डीजे गोलंदाजी पाहायला मिळते, थोडस धावगतीला लगाम लावलेला दिसतोय, धावगती थांबवली जाते, पाचव्या चेंडूवर नक्कीच ब्रेक थ्रू मिळून दिला होता। शेवटचा चेंडू सामना करणार शाहरुख, पुन्हा ते चेंडू हवेर होता झेल होतं का पाहायचं, या ठिकाणी मात्र लॉंगच्या दिशेने चेंडू आता तोपर्यंत चेंडू ट्रॅव्हल होईल तोपर्यंत दोन धाव मात्र या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत। ठिकठिकाणी षटक संपतंय, पहिल्या षटकाच्या समाधान तर धावसंख्या आहे एक गडी बाद, एक गडीबाद सहा, बॉल टू बॉल रन या ठिकाणी रन पाहायला मिळतात, सहाच्या धावसंख्ये धावगतीने या ठिकाणी धाव होताना दिसत आहेत। पाचव्या चेंडूवर नक्कीच चांगला ब्रेक थ्रू मिळवून दिला होता, तदनंतर मात्र या ठिकाणी सावध सुरुवात पाहायला मिळते, सावध पवित्र घेताना देतात दिसतात दोन्ही फलंदाज। दुसरं षटक कोण घेऊन तो पाहायचंय, दुसरं षटक घेऊन तो अजिंक्य
एक 20-22 पावलांचं लाईनअप आहे. त्याच्यासमोर असेल आफ्रिद ओपनिंगला आलेला हा फलंदाज. पहिल्या षटकादरम्यान धावक संख्या आहे 1 गडी 5 6. 4 षटकांचा सामना आहे त्यामुळे नक्कीच अजूनही 3 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे. 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. मागच्या सामन्याचा विचार करता तर रोमहर्षक सामन्यामध्ये तिरुपती सावर्डे संघानं शेवटच्या चेंडूवर विजय मिळवला होता. अजिंक्य थोडस या ठिकाणी चुकतोय, धावगती थोडीशी चुकला होता त्यामुळे त्या ठिकाणी मात्र डॉट चेंडू घोषित करतात. त्यांचं धाव फलकावर अजूनही धावाय 6. दुसरं षटक सुरू आहे. 1 गडी 5 6 धावसंख्या आहे. नक्कीच चांगली फलंदाजी करावी लागेल, मोठे फटके मारावे लागतील की आव्हानात्मक धावसंख्या उभारायची असेल तर. अजिंक्य या ठिकाणी मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, चेंडू विकेट किपरला बीट करून गेला. एक धावेचा प्रयत्न, दुसऱ्या धावेचा या ठिकाणी प्रयत्न होताना दिसत नाही. एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय. एका धावे संघाची धावसंख्येत 7. दुसरं षटक सुरू आहे. चांगली गोलंदाजी आहे, नक्कीच वेगवान चेंडू होता. चेंडू बीट केला, विकेट किपरला देखील कळला नाही. चेंडू ट्रायकर असेल शाहरुख, नवीन फलंदाज. क्षमता नक्कीच आहे या फलंदाजाकडे. अजिंक्य ब्लॉक होल मध्ये टाकला चेंडू, तर नक्कीच दर्जेदार गोलंदाजी पाहायला मिळते. थोडस गती परिवर्तन करण्यामध्ये माहिर आहे हा गोलंदाज, त्यामुळे नक्की या ठिकाणी 2 चेंडूवर मात्र एकच धाव खर्च केली. एका धावाने संघाची धावसंख्या आहे 7. दुसरं षटक सुरू असताना 1 गडी 5 7. चांगली नक्कीच फलंदाजी करावी लागेल कोकण नगर संघाला. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. चेंडू वारंवार त्याच टप्प्यावर पाहायला मिळतोय. चेंडू तिसरा चेंडू सलग निर्धाव जातोय. निर्धाव चेंडूच्या सांगत्यानंतर धावसंख्या 7 आहे धावफलकावर. 1 गडी 5 7. दुसरं षटक सुरू आहे. धावगती थोडी वाढवावी लागेल. थोडासा अप्रीत या ठिकाणी कानमंत्र देताना दिसतो शाहरुख याला. स्ट्राईक रोटेट करावी लागेल, सिंगल डबलवर भर द्यावा लागेल. मोठ्या फटक्यापासून थोडस सावध पवित्र घ्यावा लागेल. पुन्हा एकदा अजिंक्य मोठा फटका नक्कीच मारायचा होता, जोरकस फटका मारत होता, स्क्वेअर लेगच्या दिशेने फटका मारत होता, परंतु या चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये. निर्धाव चेंडू होतो, चौथा चेंडू या ठिकाणी निर्धाव टाकतोय. धावगती या ठिकाणी षटकाचा विचार केला, पहिल्या षटकाचा 6 होती, या षटकाचा विचार केला तर आतापर्यंत 1 धाव देण्याची किमया या ठिकाणी अजिंक्य तुतोय. चांगला खेळ आहे या ठिकाणी मात्र अकरू टप्प्याचा चेंडू होता. चेंडू सरळ कवरच्या दिशेने ढकलला, 1 धाव नक्कीच मिळाली. एका धावेने संघाची धावसंख्या आली 8. धावसंख्या 8 आहे. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते या षटकामध्ये. अजिंक्य त्याच्या समोर असेल आफ्रिद, ब्लॉकमध्ये टाकले चेंडू. पुन्हा एकदा चेंडू ऑन साइडला मारला, मिडविकेटच्या दिशेने चेंडू गेला. जोपर्यंत चेंडू ट्रॅव्हल होईल तोपर्यंत दोन्ही फलंदाज या ठिकाणी 2 धाव पूर्ण केले. ज्या ठिकाणी मात्र खराब फिल्डिंग पाहायला मिळते, क्षेत्ररक्षण खराब आहे, त्यामुळे ज्या ठिकाणी 2 धाव होऊ शकले असते त्या ठिकाणी मात्र आणखी एक बोनस स्वरूपामध्ये धाव मिळाली. या 3 धावांनी संघाची धावसंख्या आली 11. पहिल्या षटकादरम्यान धावसंख्या होती 6. या षटकाचा विचार केला चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते, पण शेवटच्या चेंडूवर मात्र या ठिकाणी मिसफील्ड पाहायला मिळाली. त्याचंच प्राइज इथे या ठिकाणी पाहायला मिळते. धाव पलकावर धावा आहेत 11. 1 गडी 5 11. दुसरा षटक संपतय. षटक सुरू आहे. गणेश गोलंदाजी मार्कवर तयार आहे. तिसरं षटक
फटका मोठा आहे, चेंडू हवेत आहे, मिस्ड अम्प शॉट आहे. या ठिकाणी मात्र परतावा लागेल आपली सारख्या फलंदाजाला. दुसरा झटका बसला कोकण नगर संघाला 11 धावसंख्येवर. या दलेर मेहंदी साहेब पंजाबचे सुप्रसिद्ध गायक आहेत. या ठिकाणी पहिल्या चेंडूवर ब्रेक थ्रू मिळून देतो गणेश. 11 धावसंख्या. दुसरा झटका बसला कोकण नगर संघाला. प्रथम फलंदाजी करत आहे हा संघ. चांगले गोलंदाजी पाहायला मिळते. हलक्या त्याने या ठिकाणी चेंडू अनसाइड अडकला. चेंडू जोपर्यंत ट्रॅव्हल होईल तोपर्यंत एक धाव मात्र दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. एका धावेत संघाची धावसंख्या आहे 12. दोन गडी बाद 12. तिसरं षटक सुरू आहे. या षटकाचा आतापर्यंत दोन चेंडूंचा खेळ झाला आहे. नक्कीच चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. काहीस धावगतीला जखडून ठेवलंय, धावगती रोखली आहे या ठिकाणी कोकण नगर संघाची. मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवलंय, मोठ्या फटक्यांपासून लगाम लावलाय थोडासा असं म्हणावं लागेल. गणेश आता मात्र मोठा फटका व्हायला मिळतोय. एका धावेवर समाधान मानावं लागेल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न या ठिकाणी होताना दिसत नाहीये. नक्कीच चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. मी बऱ्याच समालोचना सांगत असतो की गोलंदाजाला क्षेत्ररक्षकांची साथ असावी लागते, ती या ठिकाणी मिळते. धावसंख्या आहे 13. आजचा हा शेवटचा दिवस आहे. थोडासा महावितरणच्या संपाचा फटका या स्पर्धेला बसलाय. लाईट या ठिकाणी जनरेटरवर थोडासा आवाज कमी आहे, त्यामुळे नक्कीच आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो. नवीन फलंदाज आहे जुबेर, अजूनही खात एका धावसंख्येवर खेळतोय. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. लाईन आणि लेंथवर या ठिकाणी गोलंदाजी पाहायला मिळते. धावगतीला थोडासा लगाम लावताना दिसत आहे या ठिकाणी दोन्ही. गणेश या ठिकाणी थर्ड मॅच दिशेने मारलेला फटका आहे. नक्कीच चेंडू सीमारेषा पार करतो का पाहायचा. या ठिकाणी पण चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. एकाच धावेवर थांबवावं लागतंय. एका धावे संघाची धावसंख्या आहे 14. तिसरं षटक सुरू असताना धावसंख्या 14 आहे या षट. नक्कीच खेळपट्टी गोलंदाजाना पोशाख आहे का असे या ठिकाणी वाटायला लागले. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. तिसरं षटक सुरू आहे, चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. मगच तुम्हाला म्हटलं होतं की या ठिकाणी महावितरणचा संप असल्यामुळे या ठिकाणी थोडासा आवाजाचं प्रॉब्लेम आहे. जनरेटरवर मॅच चालू आहे. पुन्हा एकदा गणेश गोलंदाजी मार्ग होता. आता मोठा चेंडू हवेत आहे, फटका फसलाय. नो मॅन्स लँडवर या ठिकाणी चेंडू पडतोय. पंचांचा इशारा पाहायचा. हलकीशी अपील केली होती पंचांकडे, परंतु या ठिकाणी दोन धाव्या घेण्यामध्ये दोन्ही फलंदाज पूर्ण केल्या. या दोन धाव्यांनी संघाची धावसंख्या आहे 16. तिसरं षटक संपतंय. पहिल्या षटकादरम्यान धाव फलकावर धाव त्या 6. दुसऱ्या षटकामध्ये धाव केल्या गेल्या 5. आणि या षटकाचा विचार केला तर मात्र पुन्हा एकदा या षटकामध्ये धाव 5 खर्च केल्या गेल्या. म्हणजे धाव फलकावर धावा आहेत 16. दोन गडी बाद 16. शेवटचा षटक असेल, निर्णायक षटक असेल. या षटकामध्ये मोठी फटकेबाजी करावी लागेल.
अमोल आहे शेवटचं षटक घेऊन येतोय. अमोल गोलंदाजी मार्कवर, त्याच्या समोर असेल जुबेर, नॉन स्ट्राइकला आहे शाहरुख. अमोल डावखुरा गोलंदाज आहे, स्लोवडेला या ठिकाणी रिव्हर्स अटेंड करायचा होता. रनआउटचा मौका आहे, रनआउट तो का पाहायचा या ठिकाणी, मात्र परतावा लागेल शाहरुखला, परतावा लागेल. तिसरा झटका बसलाय, थोडीशी ताळमेळमध्ये खराब पाहायला मिळेल, ताळमेळमध्ये गडबड पाहायला मिळाली. अमोल विकेट करायचा होता, चेंडू हवेत होता या ठिकाणी, झेल होतो का पाहिजे होतो चेंडू. विकेट कीपर थोडासा लांब होता, त्यामुळे एका धावेवर समाधान वागते. दोन्ही फलंदाज एका धावेने, संघाची धावू संख्या आहे 17, 3 गडी बाद 17. शेवटचं षटक आहे, शेवटच्या षटकात काही चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे, म्हणजे अजूनच 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. नक्कीच मोठी फटकेबाजी करावी लागेल. धाव अजमान आहे या ठिकाणी, चेंडू हवेत होता, पाहायचा आहे. नो लॉग ऑफच्या दिशेने मारलं, पण काय नक्कीच रनआउटचा चान्स आहे या ठिकाणी, मात्र अमोल चुकतोय. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळते, ताळमेळ चांगला होता. 3 धावा या ठिकाणी घेतल्या गेल्या, या 3 धावाने संघाची धावसंख्या आली 20. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 3 चेंडूवर जुबेर आहे स्ट्राईकवर, की मोठे फटके अजून कुठल्याही फलंदाजाच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळाला नाहीये. सिंगल डबलवर भर दिला गेलाय या ठिकाणी, मात्र चेंडू हवेत आहे, झेल होतो का पाय या ठिकाणी, मात्र झेल होतोय. 4th झटका बसतोय कोकण नगर संघाला, 20 धावसंख्या. येस डीजे. या ठिकाणी थर्डमॅनच्या दिशेने चेंडू येतोय, चेंडू नक्कीच ट्रॅव्हल होईल, तर 1 धाव मात्र या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतात. एका धावेने संघात धावसंख्या आली 21. 4 गडी बाद 21. शेवटचा चेंडू असेल, शेवटच्या चेंडूवर तरी शेवट गोड व्हावा याप्रमाणे या ठिकाणी, मात्र मोठा फटका मारावा लागेल. अमोल डावखुरा गोलंदाज या ठिकाणी, मात्र ब्लॉकर मध्ये टाकला चेंडू होता, नक्कीच दुसऱ्या धावीचा प्रयत्न असेल या ठिकाणी, मात्र रन आउट, सुसाइड या ठिकाणी होत आहे.
तो बीच मैदान में मुकाबला आप देखेंगे केएमसीसी और केसीसी के बीच में, कोकण नगर क्रिकेट क्लब और कालिका माता क्रिकेट क्लब के बीच में मुकाबला चलता हुआ। और इस समय पहले बल्लेबाजी करते हुए केसीसी यानी कि कोकण नगर टीम ने 22 रन जोड़े और 23 रनों का एक छोटा सा लक्ष्य दिया है, लेकिन यहाँ पर रनों को चेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। केएमसीसी को 23 रन जोड़ने होंगे 24 गेंदों पर, तो रनों को चेस करना इतना आसान काम नहीं है। पिछले मुकाबले में आपने देखा होगा मालगुन टीम को 27 रनों की जरूरत थी, मुकाबला एक गेंद दो रनों पर गया था और आखिरकार कमाल की गेंदबाजी रही, टाई पर मुकाबला रुका। लेकिन प्रतियोगिता का रूल्स है कंपलसरी चेस, इसकी वजह से तिरुपति सावरडा नेक्स्ट लेवल पर पहुंचती हुई नजर आई। तो यहाँ पर भी क्या ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा या केएमसीसी की टीम इस 23 रनों को बड़ी आसानी के साथ चेस करेगी? आसानी के साथ तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी इस रनों को चेस करने के लिए। दोनों भी टीमों का अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेजे। गणेश और अमोल बीच मैदान में अब बल्लेबाजी के लिए जाते हुए 007 नंबर जर्सी है यानी कि जेम्स बॉन्ड का नंबर है और उनकी जर्सी की अगर बात की जाए तो ATM शॉर्टकट में उन्होंने नाम लिखा है। और दूसरी ओर गणेश है 21 नंबर जर्सी पहने वाले खिलाड़ी और सबसे सफल जोड़ी कालिका माता क्रिकेट क्लब की, देख रहा होगा इस समय 23 रनों का ये स्कोर किस तरीके से पूरा कर पाते हैं। 24 गेंदे और 23 रन चाहिए, ज़्यादा जोखिम उठाने की ज़रूरत नहीं है, हर गेंद पर रन भी लेते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। आप देख रहे हैं श्री मसूबा चषक जो कि मेरा अलावा की जानिब से रखी गई एक ग्राम पंचायत के सबसे सुनहरी टूर्नामेंट और बहुत ही अच्छा सहयोग हमारे सभी हस्तियों का रहा, उन सभीों का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। श्री सुमित जी शिवलकर, श्री अशु सावंत सर, श्री उपेश जी सावंत सर, इन सभीों ने इस प्रतियोगिता में अहम रोल अदा किया है और हमारे तमाम हस्तियाँ उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रोल अदा किया है, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो चलते बीच मैदान में, इस समय देखना होगा पावर प्ले रहेगा, पावर प्ले में किस तरीके से रन यहां पर बनाने में कामयाब हो पाते हैं। तो जिलान को इस समय लाया गया है गेंदबाजी के लिए, अभी अभी रत्नगिरी डिस्ट्रिक्ट के जो मुकाबले चले हैं ओमसा स्पोर्ट्स रत्नगिरी चैंपियन ट्रॉफी क्वालिफायर मुकाबले चल रहे हैं, उसमें तुलजा स्पोर्ट्स की ओर से अभी भी कमाल का प्रदर्शन कर चुके हैं और अपनी टीम की ओर से इस प्रतियोगिता में अब खेलते हुए नजर आएंगे। गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब की जानिब से रखी गई 2020 की ट्रॉफी में भी कमाल का प्रदर्शन था, जो रिफाई ऑल रिफाई की ओर से खेलते हुए नजर आए, सेमीफाइनल तक दस्तक दी थी, क्या बल्लेबाजी रही थी, वो तो बीता हुआ कल है, लेकिन इस समय किस तरीके से का प्रदर्शन अब गेंदबाजी में करते हैं देखना होगा। स्ट्राइकिंग इन पर इस समय गणेश रहेंगे और जिलान पहली ओवर की पहली गेंद, अच्छी गेंद थी और रूम बनाकर खेलना चाहते थे, बहुत ही अच्छा मौका था पॉइंट की दिशा में, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर चूके हैं बल्लेबाज, दूसरा रन लेने का मौका था लेकिन थोड़े से फिसले जिसकी वजह से एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। अनिल थे जिन्होंने मना किया, एक ही रन पर हम संतुष्ट रहेंगे, पॉइंट की दिशा में शायद मौका था कैच लेने का, लेकिन गेंद थोड़ी सी दूर चली गई जिसकी वजह से एक रन से इस समय केएमसीसी टीम का खाता खुलता हुआ। तो पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का यहां पर जो है प्रयास रहेगा, एक डीप स्क्वायर लेग की दिशा में यहां पर फील्डर तैनात किया गया है, डीप फाइन लेग की दिशा में एक फील्डर है उसको थोड़ा सा अंदर लाकर कहीं ना कहीं लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर को बाहर लिया जा रहा है, एक अलग रणनीति इस समय जो है जिलान जो है दिखाते हुए देख रहा होगा, थोड़ा सा करीब लाया गया था कि नई गेंद को इतना लंबा हिट लगाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती, शायद यही प्लान रहेगा। पटकी भी गेंद थी, रिवर्स अटेम्प करना चाहते थे, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई, तो डॉट गेंद यहाँ पर आएगी, डॉट गेंदे कहीं ना कहीं केएमसीसी के खेमे में थोड़ी सी चिंता के बादल बरसाएगी और दूसरी ओर केसीसी टीम को इस मैच में बनाए रखेगी। एक रन बना है इस ओवर की अगली गेंद जिलान की,
अच्छी गेंद थी, कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, कैच का बड़ा अपील किया गया है, लेकिन इस समय अंपायर पर कोई असर नहीं है। आप चाहे कितना भी यहाँ पर शोर शराबा कर लो, बल्लेबाज आउट नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। दबाव बनाने का प्रयास जरूर चल रहा था, लेकिन बहुत ही अच्छी अंपायरिंग इस पूरी प्रतियोगिता में करते हुए दोनों भी अंपायर। रन संख्या अभी भी रुकी हुई, एक रन पर झिलान, सटीक लाइनों लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे, और बल्लेबाज इस समय अनिल स्ट्राइकिंग इन पर है। जितना जर्सी का नंबर है उतने भी रन बना लेते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि उनके टीम के लिए यहां पर बन सकती है। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार देखा जाए तो यहां पर इशारा आएगा ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त गेंदे परेशानी का कारण यहां पर बनेगी, तो इस अतिरिक्त रन से रन संख्या बनेगी 2 रन बिना विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले में रन बनाने का प्रयास हर एक बल्लेबाज का होता है, लेकिन इस समय जोखिम उठाने की शायद ही बल्लेबाज को जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हर गेंद पर मात्र 1 रन लेना है। वाइड का इजारा जरूर आता हुआ, रनों का इजाफा यहां पर होगा, 2 रन बने हैं। तो झिलान इस समय अगली गेंद करने के लिए सज, 8-10 कदमों का रनअप यहां पर लेकर, लेकिन कम रन होने के बावजूद भी तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए इनको जाना जाता है। इस बार रूम बनाने में कामयाब, जगह बनाई और गेंद को भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अनिल ऑन फायर, जिस तरीके से एटीएम में से हम अमाउंट निकालते हैं, वही ये एटीएम बीच मैदान से अब रन बरसाते हुए, पहला छक्का इस दूसरी इनिंग का अनिल के बल्ले से निकलता हुआ, शानदार दमदार छक्का। तो 7 रन बने, 8 रन बने इस छक्के की बदौलत। फिर से एक बार झिलान इस ओवर की अगली गेंद करेंगे, फुलटॉस गेंद थी, इस बार भी जगह बनाई, कोई मौका नहीं, फील्डर वहां पर नहीं थे, और देखा परखा और डीप स्क्वायर लेग की दिशा में भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो रन संख्या बड़ी है 12 रन और 11 रनों की जरूरत रहेगी, और बड़ी आसानी के साथ रनों को चेस करने का प्रयास केएमसीसी की ओर से होता हुआ नजर आ रहा है। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, कहीं ना कहीं इस बार चूके, जगह बनाकर खेलना चाहते थे, लेकिन परखा था जिलान ने और थोड़ी सी तेज आगे गेंद की, जिसकी वजह से डॉट गेंद यहाँ पर जो है आती हुई। तो पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, रन संख्या बनी 12 रन बिना विकेट के नुकसान पर। आने वाले 18 गेंदे और जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत रहेगी। जुबैर मालदार ये भी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी के लिए उनको भी जाना जाता है। नदीम भाई ये भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अजमान सैयद ये भी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो देखना होगा किस गेंदबाज को यहाँ पर लाया जाता है। और जुबैर मालदार शायद यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आना चाहते हैं, 2023 में बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है केसीसी टीम का, सेमीफाइनल तक हर प्रतियोगिता में जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन सेमीफाइनल से आगे जाने में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है, लेकिन कौन सी प्रतियोगिता रहेगी जो सेमीफाइनल को क्रॉस करते हुए ग्रैंड फिनाले में दस्तक देगी, आने वाला समय तय करेगा। लेकिन इस समय इस चुनौती को स्वीकार करते हुए रनों को डिफेंड करने का कारनामा करना चाहेगी। तो 12 रन बने हैं और अब जीतने के लिए मात्र 18 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत रहेगी। जुबैर मालदार इस समय गेंदबाजी के लिए आते हुए, टेनिस और लेदर क्रिकेट में कमाल की गेंदबाजी के लिए इनको जाना जाता है, और इस समय केसीसी की ओर से अब रनअप को थोड़ा सा कम करते हुए गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकिंग इन पर इस समय रहेंगे बल्लेबाज गणेश। नीचे रही गेंद, कट करना चाहते थे लेकिन कोई मौका नहीं, लाइन से अलग करने के यहाँ पर कोशिश जरूर की और सफल भी हुई है।
इससे पहले केएमसीसी की गेंदबाजी की बात की जाए तो कट्टर गेंदबाज काफ़ी आपको देखने को मिले, जिससे दिक्कतें हुई केसीसी टीम को यानी कि कोकण नगर टीम को। और वही पैंतरा इस समय जुबेर मालदार आजमाते हुए नजर आ रहे हैं, रफ्तार थोड़ी सी कम कर रहे हैं लेकिन अपने लाइनों लेंथ को बरकरार करते हुए नजर आ रहे हैं। राइट आर मोर द विकेट से सूर्य की अग्नि गेंद, इस बार भी हल्के हाथों से खेला है, सर के ऊपर से कवर की दिशा में खेला, एक रन पूरा करेंगे, दूसरी की मांग करना चाहते और दूसरा रन भी बढ़िया आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है। सेंसिबल क्रिकेट चलते हुए अब समझ चुके हैं हम, हमें मात्र हर गेंद पर रन लेना है, जो कि मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वही इस समय जो है गणेश करते हुए बखूबी साथ निभाते हुए इस समय, माफ कीजिएगा, अमोल है जो नॉन स्ट्राइक एंड पर इस समय अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला है, एक रन और जुड़ता हुआ, रन संख्या बनेगी 15 रन, तो जीतने के लिए मात्र 7-8 रनों की जरूरत है। इसमें जो भी टीम जीतेगी वो तिरुपति सावरड़ा के साथ मुकाबला खेलेगी। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, कामयाब भी हुए लेकिन जिलान गेंद के नीचे आएंगे, इनसे गलती होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन रहेगा। और इस समय अमोल रिवर्स अटेम्प्ट करने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और पहला झटका लगता हुआ के एम सी सी को। में आते हुए 45 नंबर सभी को पता भी होगा, ये रोहित शर्मा का जर्सी नंबर है जिन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है, 3 बार द्विशतक जड़ने का रिकॉर्ड भी उनके नाम पर है। और इस समय यहाँ पर कोई सेंचुरी नहीं लगाना है, जितने भी रन बने उसमें से आधे रन भी बना लेते हैं अजिंक्य तो उनकी टीम यहाँ से बड़ी आसानी के साथ जीतेगी। तो जुबेर मालदार ने इस समय अमोल को डगआउट में ज़रूर भेजा है, तो इस समय इस ओवर की अगली गेंद का मुकाबला करेंगे अजिंक्य। पीछे आकर खेलना चाहते थे, कट करने का प्रयास किया था लेकिन विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई, डॉट गेंद। और पिछले साल ऐसा ही मुकाबला हमने देखा था और वो गेंद आखिरी गेंद तक मुकाबला जरूर चला गया था, क्या वही दृश्य इस 2023 में हमें देखने को मिलेगा? 2022 में आपने क्या किया यानी कि पिछले साल क्या किया उसको नज़रअंदाज करते हुए इस 2023 के इस ज़बरदस्त टूर्नामेंट में आपको खेल कर दिखाना होगा, सभी गलतियों में से कुछ ना कुछ सीखना होगा और जो मुकाम यहाँ पर है उस पर आपको अच्छा प्रयास करते हुए मैच को जिताना होगा। जुबेर मालदार सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए लगातार 2 गेंद यहाँ पर डॉट की है और इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, रन संख्या बनी 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर में रन बने 12, दूसरी ओवर में रन बने 3, यानी कि आने वाली गेंदें रहेंगी 12 और जीतने के लिए चाहेंगे 8 रनों की जरूरत रहेगी, 12 गेंदें 8 रनों की जरूरत, ये कहानी है। सेकेंड लास्ट ओवर बहुत ज़्यादा मायने रखता है दोनों भी टीमों के लिए, एक तरफ केएमसीसी की टीम ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाकर मैच में वापस आने का प्रयास करेगी और दूसरी ओर केसीसी की टीम इस सेकेंड लास्ट ओवर में कम से कम रन बनाकर इस मैच में अपनी उम्मीद जिंदा रखने का प्रयास करेगी। और गेंदबाजी के लिए इस समय आते हुए गेम चेंजर गेंदबाज विनल भालेकर इस समय गेंदबाजी के लिए आते हुए, इस ओवर पे काफी निर्भर करता है दोनों भी टीमों का अस्तित्व। अगर इस समय देखा जाए तो पलड़ा भारी केएमसीसी का जरूर रहेगा क्योंकि
काफी मजबूत स्थिति में है क्योंकि 12 गेंदे हैं, जीतने के लिए 8 रनों की मात्र जरूरत है और 9 विकेटें अभी भी डगआउट में सुरक्षित है। यानी कि यहाँ से चांस भी लेते तो बड़ी आसानी के साथ एक भी गेंद क्लियर कर लेते तो रन बनेगा, लेकिन नहीं, गेंदों को यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए आपको हर गेंद पर रन लेना होगा, वही कोशिश बल्लेबाज की जरूर रहेगी। अजिंक्य स्ट्राइकिंग एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर है और स्ट्राइक पर गणेश है, अच्छी पारी सजा रहे अपने टीम के लिए। तो विनल की तीसरी ओवर की पहली गेंद, रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, कहीं ना कहीं यहाँ पर मिस टाइम स्ट्रोक जरूर देखने को मिला, लेकिन ये भी स्ट्रोक एक रन देकर जाएगा। इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़ेगी 16 रन, लॉस ऑफ वन विकेट। अजिंक स्ट्राइकिंग एंड पर जाएंगे, विनल काफ़ी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर जो है करने के लिए उनको जाना जाता है। हाल ही में यानी कि 2022 एंडिंग को चंपक मैदान के ऊपर मुकाबला था, फाइनल का मुकाबला था, जिसमें कमाल की गेंदबाजी रही थी विनल की। इस समय जगह बनाई, हवा में गेंद है, नीचे आते हुए इस समय देखा जाए तो बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पर लपकते हुए अजमान सैयद द्वारा, एक अच्छे क्रिकेटर है। सुनील आए हैं गेंदबाजी के लिए, बल्लेबाजी के लिए, गेंदबाजी के लिए विनल है। तो अब तक देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी, एक रन मात्र खर्च किया है, एक सफलता भी उनके नाम है। तो अभी भी देखा जाए तो 7 रनों की ज़रूरत है, आने वाली गेंद रहेगी 10 और जीतने के लिए 7 रन चाहिए। फिर से एक बार अटैकिंग फील्डिंग यहाँ पर सजाई जा रही है, सिंगल सिंगल रन को रोकने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है केसीसी की ओर से। और ज़रूर बहुत ही स्पेशल दिन रहेगा क्योंकि आज ही के दिन आपको चैंपियन बनने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा, लेकिन इस मैच के दरमियान कोई एक टीम का सपना यहां पर चकनाचूर होने वाला है क्योंकि एक टीम जरूर यहां से बाहर जाएगी, कंपलसरी चेस है। इस बीच अच्छा स्ट्रोक था, एक रन जरूर अजमान सैयद गेंद के ऊपर काफ़ी तेज आते हुए, और एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा KMCC टीम के बल्लेबाज को। रन संख्या बढ़ेगी इस एक रन के साथ 17 रन और 6 रनों की जरूरत है, लेकिन विनल भाले करके यहाँ पर जो है प्रशंसा करनी होगी जिस लाइन और लेंथ पर वो गेंदबाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा रूम जरूर दिया था पिछली बार अजिंक्य को, लेकिन अजमान ने एक अच्छा कैच लपकते उनको डगआउट की ओर भेजा था। इस बार भी मौका बन सकता है, लेकिन नहीं, फील्डर वहीं के वहीं रुके, गेंद आने तक का इंतजार किया, जिसकी वजह से एक रन यहाँ पर जो है पूरा होता हुआ और एक रन जुड़ेगा, 18 रन बने हैं, 5 रनों की जरूरत रहेगी। विनल भाले कर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, इस ओवर के अभी भी गेंदे शेष है, 2 गेंदे शेष है, देखना होगा इस 2 गेंदों पर किस तरीके के यहाँ पर जो है रन बटोरते हैं बल्लेबाज। सभी फील्डर को थोड़ा सा क्लोज तैनात किया जा रहा है ताकि सिंगल जो है उसको रोका जा सके। विनल इस समय लक्ष्य के थोड़ी सी बाहर, जी हाँ, क्रुशियल मोमेंट पर ये गलती होती हुई वाइड का इशारा आता हुआ, और एक रन यहाँ पर जुड़ेगा, रन संख्या बनेगी 19 रन, 19 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, तो और 4 रन दूर है KMCC की टीम नेक्स्ट पड़ाव में प्रवेश करने के लिए, तो और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा इस मैच को जीतने के लिए। इस बार भी उसी दिशा में गेंद की, और एक वाइड का इशारा आता हुआ हमारे अंपायर द्वारा, रन संख्या बढ़ेगी 20 रन, 3 रन दूर है। पिछले मैच में आपने देखा होगा तिरुपति सावरडा और मंगलमूर्ति मालगुण के बीच में चला था, जिसमें 6 में 6 रनों की जरूरत थी, मैच गया था 1 गेंद 2 रनों पर, उसमें तिरुपति सावरडा टीम ने जीत दर्ज की थी। इस बार भी हल्के हाथों से खेला है, एक रन बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर पूरा होगा, दूसरी की मांग यहाँ पर करना चाहते हैं, लेकिन थ्रो अच्छा होने के बावजूद एक ही रन यहाँ पर जो है बना पाए। रन संख्या बढ़ेगी 21 रन,
अब सेकंड लास्ट ओवर की यानी कि तीसरी ओवर की आखिरी गेंद करेंगे इस समय विनल भालेकर। देखना होगा बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर है क्या, इस गेंद पर मैच को फिनिश करेंगे। फुल टॉस गेंद थी, जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं है, एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। दूसरी की मांग यहां पर करना चाहते अजमान सैयद का एक अच्छा थ्रो था और दो रन यहां पर मुकम्मल कर लिया और इस दो रनों के साथ केएमसीसी टीम ने इस मुकाबले को बड़ी आसानी के साथ जीता है, 8 विकेटों से इस मुकाबले को जीता है। नेक्स्ट मैच के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और केसीसी कोकन नगर टीम को नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।